चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। इलेवेंथ से डाउट बताइए, इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर इलेवन सर, सी पार्ट में एबीसी, सर सी पार्ट में, डी पार्ट तो है नहीं सर, सी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट, बी सर बी, इलेवेंथ ए पार्ट, पहले देखते फोर कॉस 20 डिग्री माइनस रूट थ्री कॉट 20 डिग्री, ये क्वेश्चन, फोर कॉस 20 डिग्री माइनस रूट थ्री कॉट 20 डिग्री, क्या करें इसके लिए, फोर कॉस 20 डिग्री इसको साइन कॉस में चेंज कर ले, माइनस कॉस, कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, ये वन एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा, फोर साइन 20 कॉस 20 माइनस रूट थ्री कॉस 20 अपॉन साइन 20, बोल सकते हैं बच्चों, इस फोर को क्या लिखें, पूरी टू टू कर दें, ये क्या बन जाएगा, साइन टू है, टू साइन है, कौन से साइन टू वाला साइन, टू इंटू 20 टू साइन 40 डिग्री माइनस रूट थ्री कॉस 20 माइनस रूट थ्री कॉस 20 डिग्री साइन टू, ठीक है, अपान साइन 20, अब क्या करें, बोलो, पता नहीं, ठीक, टू कॉमन ले लें, इसमें टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, रूट थ्री बाई टू कर लेते हैं, साइन 60, तो इसको लिख देता हूं मैं साइन 60 डिग्री, ये आ गया टू साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ठीक, टू साइन 40 डिग्री, बस कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे सिंप्लीफाई होते रहे, टू साइन ए कॉस बी क्या मतलब, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या हो गया 60 प्लस 80 प्लस 60 माइनस 20 40 और 2 sin 40 क्या हो गया sin 40 प्लस sin 40 एक sin 40 कैंसिल कर लेते हैं sin 20 इसमें माइनस कॉमन लो sin c माइनस sin d क्या फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d / 2 80 प्लस 40 120 / 2 cos 60 into sin c माइनस d / 2 20 upon sin 20 ये sin 20 कैंसिल cos 60 वैल्यू 1 / 2 बोलो इसके आगे भी लिखा है बहुत बड़ी बात है ऐसे ही डेई में आप लोग एक क्वेश्चन करके आएंगे अरे मैं एक ही कर रहा हूं मेरे आठ तो नंबर टोटल है मैं उससे क्या होता है उससे मोटिवेट होना है ना कि हमें और सीखना है ये मोटिवेट होना है कि अरे मैथ्स में आठ है मैथ्स में क्या बताओ नहीं बता रहा हूँ मैं एक एक क्वेश्चन आपके सर बता रहे एक एक डाउट बता रहे हैं आराम से पढ़ा रहे हैं फिर अब और क्या करो मैं खुद तो नहीं लिखूंगा अब आप लोग उस पर वर्क करिए पेपर में उल्टे क्वेश्चन आ रहे हैं लग रही हैं कुछ ये चीजें लग रही हैं तो वो बताइए है कि नहीं उसको रेक्टिफाई करते हैं हाँ बता देते हैं मैं तो सारे क्वेश्चन बता दूंगा लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करें अच्छे से अभी ट्राई किया क्या लिखना tan of 10 degree माइनस tan of 50 degree प्लस tan of 70 degree बेटा आदित्य बताओ कैसे करेंगे आदित्य जैन यहाँ पे जो ऑफ लाइन में है उससे पूछता हूँ हाँ 60 प्लस 10 60 माइनस 10 हाँ ठीक है कर सकते हो क्या दिक्कत है कुछ सोचे ना सोचो कुछ भी कर लो आ जाते हैं आगे जाके सिंप्लीफाई होकर के ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ऐसे किया कुछ और फॉर्मूला लगा कर भी आ जाएगा देखो चलो टेन को मैं लिख देता हूँ ए या थीटा पहला वाला क्या बन गया टेन थीटा ये क्या हो गया टेन 60 माइनस थीटा ये क्या बना टेन 60 प्लस थीटा हो गया अभी कोई मामला नहीं बना है अभी देखिए अब यहाँ लगाते हैं tan a माइनस b क्या होता है tan a
tan 60 root 3 minus tan theta upon 1 plus tan 60 root 3 into tan theta. ठीक है, ऐसे इसको लिखे root 3 plus tan theta tan 60 tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. तो 1 minus root 3 into tan b. बोलिए. वेरी गुड. एक एक कर रहा है आपको एलसीएम लेना. आ जाएगा फिर आगे करो एलसीएम ले लो. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा क्या क्या थ्री ए का फॉर्मूला है. वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा माइनस इसको ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा वन इंटू रूट थ्री फिर ठीक है इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस टैन थीटा माइनस थ्री टैन थीटा माइनस फोर टैन थीटा प्लस रूट थ्री टैन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर लो. कर लो करें नहीं भी कर लोगे तो मैं करके लिख रहा हूँ बस नोट भी करो ना तो भी हो जाएगा ना. इसको यहाँ एलसीएम क्या आएगा देखो रूट थ्री प्लस फोर टैन थीटा प्लस रूट थ्री टैन स्क्वायर थीटा ये ठीक है. अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा. यहाँ माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल ओके. अब बताइए tan theta plus यहाँ से 4 plus 4 8 plus 1 9 9 tan theta minus 3 tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ठीक ऊपर से कॉमन लो ये फॉर्मूला बन गया किसका tan 3 8 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan theta किसका फॉर्मूला होता है tan 3 theta tan 3 theta theta की वैल्यू 10 डिग्री कितना हो गया 3 tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री वैल्यू 1 upon रूट थ्री आंसर आ गया. ठीक है बोलिए कुछ भी जो आप कह रहे थे सिस्टम आया से सोचो हुआ ना सिंप्लीफाई आगे बढ़ेंगे तब होगा बस एक ही स्टेप करे आगे कौन करे कितनी मेहनत. हाँ अब मेरे पास भी देखिए आपके जैसे ही है ना सॉल्यूशंस तो नहीं लिख करके मैं रखा हुआ. हाँ ठीक है कई बार किए हुए लेकिन इस तरह के सॉल्यूशंस याद नहीं होते. कॉन्सेप्ट हो तो ठीक भी इसमें तो हाँ बस आप सिंप्लीफाई कर रहे हो कभी ऐसे. अगला क्वेश्चन इलेवेंथ के सी पार्ट सी पार्ट में डाउट हो अभी भी डाउट है कुछ तरह पाओगे. 2 cos 40 degree minus cos 20 degree sin 20 degree. हाँ बेटा क्या मान लें 20 को थीटा मान लें. मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो तो हो जाएगा. नहीं तो cos 40 को cos 60 minus 20 लिख सकते हैं. cos 40 minus cos 20 कर सकते हैं सर. मुझे ये सीन कर रहा है यहाँ पे cos t minus cos t हम लोग क्या cos t minus cos t क्या होता है 2 sin C plus D by 2, 40 plus 20, 60 by 2, 30 degree, into sin, B minus C होता है, या minus वाले, C minus D, 40 minus 20, 20 by 2, sin 10, ये formula लगा दिया हमने, second, third, बोलो बच्चों ठीक है, sin 30 की value, 1 by 2, 1 by 2 to cancel, ये बन गया minus sin 10, इस cos 40 को क्या ले सकते हो, 90 minus 50, क्या बन जाएगा साइन 50. अब लगाओ फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 2 कॉस 30 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन 20 अपॉन साइन 20. साइन 20 क्या बोलिए. ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 सर डाउट है 12 गुड करेंगे तो होंगे कुछ क्वेश्चंस कुछ मिनट करोगे 30 डाउट है ले लेते हैं 30 सर 12th भी डाउट है 12 भी डाउट है
मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा डाउट नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेंगे और करिए। sec theta plus q tan theta is equal to 1 and p square sec square theta minus q square tan square theta is equal to 5। ये दो रिलेशन लिखे ये क्या पूछा है 9 upon p square minus 4 upon q square ये वाले ओके चले फटाफट बोलो कैसे करेंगे सब p tan थीटा की वैल्यू निकाल के फिर स्क्वायर अभी तुमसे नहीं पूछा हूं बोलो माइनस q स्क्वायर sec का है उसको हम इस पर मैंने q स्क्वायर से कर देंगे तो a माइनस b का है a प्लस b का हां a माइनस b कैलकुलेट हो जाएगा। इसके क्या लिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहां a प्लस b दिया हुआ है तो हम यहां इसको क्या ले सकते हैं p sec थीटा माइनस q tan थीटा इनटू p sec थीटा प्लस q tan थीटा दैट इज 1 बराबर 5। अगर यहां से आगे हमारे पास p sec theta minus q tan theta is equal to 5 ये दो इक्वेशंस हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो sec theta और tan theta देगा और sec square minus tan square कितना होता है 1 वही आंसर आ जाएगा। आप यहां देखो दोनों ऐड करो कितना आएगा 2 p sec theta बराबर 6 प्लस sec theta की वैल्यू कितनी आ गई p by p स्क्वायर करोगे तो 9 by p स्क्वायर आएगा दैट इज sec square theta। ऐसे ही दूसरा वाला आएगा tan square कितना आंसर आ गया। ऐसे सबट्रैक्ट कर दो q tan theta आएगा कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन 13 रो बना लिया 13 नहीं करके आया हूं मैं जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या बात है बोलो कॉमन कुछ पा रहे हो देखते हैं इसको a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई देन समेशन ऑफ tan a इन अपॉन tan b tan c इज इक्वल टू समेशन ऑफ tan a माइनस 2 समेशन ऑफ a को पाई माइनस b प्लस c लिख सकते हैं। आगे उससे कुछ गड़बड़ हो गई किसका आ गया हो गया था आप लाइन में आ गया। देखिए भाई पूरा आए तो बताएं आप, मैं आधे में फंसना नहीं चाहता। आप सोचें कि सर भी मजे ले रहे हैं फंसे हुए हैं हाँ वो मैं नहीं चाहता। जिसका आंसर पूरा आया वो बताए ठीक है, ऑनलाइन वालों से नहीं पूछ रहा मैं, आप लाइन में आओ फिर बताना। और tan a अपॉन tan b tan c समेशन tan a अपॉन tan b tan c इक्वल टू समेशन tan a माइनस 2 समेशन cot a ये है। तो इसका मतलब क्या है पहले जिसका मतलब पहले a लिखना है फिर b लिखना है a की जगह प्लस ऐड करता जाना है। इसका मतलब है सेकंड टर्म क्या होगा tan b tan c tan a और थर्ड टर्म क्या होगा tan c upon tan a tan c upon tan a ये है इसका मतलब। ये पहले क्लियर होना इस समेशन का क्या मतलब। इस समेशन का मतलब क्या है tan a plus tan b plus tan इसका मतलब cot a plus cot b plus cot क्लियर। अब यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ ये आएगा tan a into tan b into tan c इधर क्या बनेगा tan square a plus tan square b plus tan square c होगा। न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे a square plus b square plus c square को a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan अपॉन tan a tan b
टेन, यहाँ तो क्लियर, डिवाइड करेंगे इसमें, देखिए टू टाइम पहले वाले में डिवाइड होगा टेन ए बाई टेन ए टेन बी अपॉन टेन बी, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी कैंसिल होगा वन बाई टेन सी, कॉट सी आएगा दूसरे में, कॉट आ जाएगा तीसरे में, कॉट भी आ जाएगा, मतलब ये जो सेकंड वाले से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आने वाला है, यही आंसर आने वाला है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होता है, जैसे ही डिवाइड करोगे इसमें एक टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, वही आंसर दोनों में अलग अलग डिवाइड करो, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी के ही बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी पाई हो तो ये क्या कैंसिल, वो आंसर है, नोट करिए। फटाफट नोट करिए मेन पॉइंट्स 14, ठीक है, भले ही कितना भी लगे कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया है अब कभी नहीं भूलेगा, फिर भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है, घातक हो सकता है। 14 14 का ए पार्ट, किसी को डाउट, ए में किसी को डाउट है, बी पार्ट, बी पार्ट सर, ए ए उसको रहा था, ए देखिए वाई बराबर टेन कॉस स्क्वायर माइनस सिक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स क्या करेंगे इसको, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा में चेंज कर लीजिए, ऐसा क्लास में किया था, इसको क्या लिख लो 5 * परफेक्ट स्क्वायर कब बनाते जब sin या cos किसी एक में क्वाड्रेटिक, ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं ये दोनों में आ रहे हैं ना, तो मल्टीपल एंगल में चेंज कर लीजिए, इसको लिख 5 * 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x कर लीजिए 1 + cos 2x। क्वेश्चंस करने से पहले नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स में क्या बताया गया है, तो इस टाइप के फॉर्मेट को ऐसे किया था और ऐसे ही ये क्या लिखा 3 * 2 sin x cos x sin 2x और इसको क्या लिखेंगे 1 - cos 2x राइट, हो गया सर 5 + 1 6 और यहां से आएगा 4 cos 2x - 3 sin 2x, a cos x - b sin x मिनिमम वैल्यू माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगी, मैक्सिमम प्लस 5 ऐड कर लीजिए इसमें, 1 एंड 11 आंसर है, कोई डाउट है, बी पार्ट क्वाड्रेटिक है, बी पार्ट क्या है वाई बराबर 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना आगे 3 प्लस 1 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 3 साइन एक्स, तो क्या लेना है साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर, अगर इस बार ना कितना माइनस करना पड़ेगा माइनस 1 बाई 9 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 कितना जाएगा 13 बाई 3, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाने लेंगे आप, कई क्वेश्चन किए थे, अब साइन एक्स की रेंज लिखेंगे माइनस वन से वन, फिर माइनस वन बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस थ्री लिखेंगे, आ जाएगा कि नहीं, सिंगल क्वेश्चन किए हैं क्लास में, नेक्स्ट वन सी पार्ट, कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन डी पार्ट, ये भी क्लास में किया था, क्या था ना जिसका आंसर आया था क्या 26, फिर किया था ना 8 cos square x plus 8 sec square x plus 10 sec square x, सेम क्वेश्चन किया, फिर भी डाउट आ सकता है, क्यों, क्योंकि रिवाइज नहीं किया, उसको देखा नहीं, डायरेक्ट होशियार बन गए महारथी की, चलो करते हैं पढ़ लो पहले रिवाइज करो सर, 15 थे सर, 15 का ए और बी सर, बी पार्ट 15, ए में किसी को डाउट है सर, ए ए है, क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट में 4 sin x cos y,
प्लस टू साइन एक्स प्लस टू कॉस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जीरो टू पाई देन फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स वाई जीरो से टू पाई के बीच में और ये जीरो ऐसा लिखा क्या करोगे इसके लिए कैसे करोगे क्या बन गया टू कॉस वाई प्लस वन इन टू टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जीरो होगा तो कॉस वाई बराबर माइनस वन बाई टू और साइन एक्स बराबर माइनस वन बाई टू बोलो इसके बाद जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा कैसे करेंगे साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू लार्जेस्ट वैल्यू जीरो से टू पाई जीरो से थ्री सिक्सटी में कहाँ मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन तो माइनस वन कितनी आ जाएगी टू पाई माइनस थर्टी डिग्री पाई बाई सिक्स कितना आ जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स हाईएस्ट वैल्यू चाहिए क्वेश्चन लिखा है लार्जेस्ट क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे हैं ना yes, इसलिए लार्जेस्ट निकालने और एक्स की ये लार्जेस्ट वैल्यू है तो वाई की लार्जेस्ट क्या हो सकती है जीरो से टू पाई टू पाई एक जीरो हो गया फैक्टर तो दूसरा जीरो नहीं हो तो पीछे जाएगा कि दोनों जीरो होने जरूरी है बोलो बोलो भाई हो सकते हैं लेकिन होने जरूरी तो नहीं है ना मैक्सिमम कैलकुलेट करना है मिनिमम नहीं कैलकुलेट करना है या कुछ मैक्सिमम तो मतलब 2 पाई प्लस 11 पाई बाय 6 कितना आंसर आ गया 23 पाई बाय 6 ये आंसर नोट करिए सर अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम और y को 2 पाई रख देते हैं और ये कितना है 330 डिग्री कौन बड़ा है ये सोच रहे हो आप तो सोच लो 15 बी पार्ट डाउट है यस सर डाउट है इसका हो गया 15 बी ट्राई तो सभी ने किया है ऐसा मुझे पूरा भरोसा है आप लोग क्या लिखा है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप जब सर कर लोगे तो किया क्यों नहीं पहले मल्टीपल एंगल में चेंज करते हैं कॉस टू थीटा क्या लिखा है इसको 49 वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू इसको क्या लिखा है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू क्या हो गया 49 बाई टू प्लस वन बाई टू 50 बाई टू 25 49 बाई टू माइनस वन बाई टू कितना हुआ 24 कॉस टू थीटा कर सकते हैं फिर भी वन बाई आए उधर दूसरे पूरे इसी में से केवल कॉमन लेंगे उसमें से नहीं लेंगे दूसरा पूरे में कॉमन आना चाहिए ना अब कैसे कॉमन लेंगे ये सब जो करना था आपको टाइम दिया गया था करी करने के लिए अभी फिलहाल देखिए
साइन स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू, ये क्या बन जाएगा 25 माइनस 24 कॉस टू थीटा, बोलो अगेन। मान लो ये कोई वैल्यू है एक्स ले लो या एक्स थीटा ले लो, स्क्वायर कर दे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दे ए स्क्वायर 25 प्लस 24 कॉस टू थीटा प्लस 25 माइनस 24 कॉस टू थीटा प्लस 2ab, 2 इनटू रूट ओवर इन दोनों का प्रोडक्ट 625 माइनस 576 कॉस स्क्वायर टू थीटा, होगा ये कैंसिल, ये हो गया 625 प्लस 2 रूट ओवर 625 माइनस 576 कॉस स्क्वायर, ये वाला तो ठीक है, 25 प्लस 25 50 है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab, तो 2 a इनटू b जब किया 25 इनटू 25 शिफ्ट 25 है, a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर टू थीटा। अब इसकी जब मिनिमम वैल्यू सबट्रैक्ट करो, मिनिमम सबट्रैक्ट किया मतलब क्या है, मैक्सिमम cos स्क्वायर मिनिमम 0, तो यहां पे x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 50 प्लस 2 रूट 625, बोले ये हो गया 25 इनटू 2, 50 प्लस 50 100, रूट लिया मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 10, बोलो कोई तकलीफ है, मिनिमम मिनिमम रखोगे क्या होगा, यहां मैक्सिमम 1 625 माइनस 576 कितना हो गया 576, 49, 49 का रूट 7, 7 इनटू 2 14 प्लस 50 64, मिनिमम वैल्यू रूट के अंदर है तो पॉजिटिव, यहाँ रूट लगाया ना स्टार्टिंग, क्लियर, ऐसे करें टोटल 16 17 तो दोनों पार्ट आउट है, 17 के दोनों पार्ट, 17 फर्स्ट पार्ट दिया था इसी पे देखो, दूसरे पे इस तरह का था ना, डिफरेंस ऑफ टू बनाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन इसमें था, डीबी में था, इसमें था कहीं तो था, डिस्कस किए थे हम लोग सर, क्लास में लिया था, क्लास इलस्ट्रेशन में लिया था, अच्छा हाँ क्लास इलस्ट्रेशन में लिया था, लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 5/4 है, तो कोसेक को 1/sin लिखेंगे 17 फर्स्ट पार्ट, और उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंस ऑफ टू आ जाएगा, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, टैन को क्या लिखोगे साइन बाई कॉस, सेक को 1/cos, तो साइन का जो न्यूमरेटर में है उसमें लिखोगे इनटू 2-1 मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ टू बन जाएगा, वे सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं आप देखिए क्लास इलस्ट्रेशंस को, सेकंड पार्ट एक बार लिख के बता दीजिए, सेकंड पार्ट देखो 17 का सेकंड पार्ट क्या है, टैन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई टू पावर एन अपॉन कॉस थीटा बाई टू पावर एन, कॉस सेक को 1 अपॉन कॉस कॉस थीटा अपॉन 2 पावर एन माइनस 1, ये लिखा बस इसका समेशन चाहिए, इसको क्या लिखो इनटू 2-1 ये ना प्लस में से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा थीटा बाई टू पावर एन माइनस 1 इनटू माइनस थीटा बाई टू पावर एन साइन ए माइनस बी, हम लोगों को साइन ए कॉस बी डिफरेंस ऑफ टू बन गया, आंसर आ जाएगा टैन ए माइनस टैन बी बनेगा, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट लास्ट आएगा 18 एपी में है एंगल्स, 18 एंगल्स किस में है एपी में, एपी में एंगल है तो फॉर्मूला नहीं पता है, बोलो cos 5 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री अप टू 35 रखोगे 175 डिग्री, कितने टर्म है 35 टर्म है, क्या होता है साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय टू फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना, ओके सर, ये सेकंड वाले में फॉर्मूला लगाना एस में भी 19 डाउट डाउट, ठीक है 19 देखते हैं,
करिए अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके लिए नोट्स को सर इसका आंसर ठीक है पढ़ने लायक नोट्स आप लोगों ने बनाइए बार बार पढ़े उसे और फिर क्वेश्चंस को ट्राई करिए, नहीं तो ये डाउट डाउट बोलने वाली आदत वहां भी एग्जाम में भी जा रही है आप लोग की, क्वेश्चन देख के डाउट। हां आई सर वो हां 3 sin x + 4 cos x = 5 सर इसका आंसर नहीं दिया वो ठीक है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी यही क्वेश्चन, एक पीछे साइन या कॉस को उधर ले जाओ स्क्वायर कर दो, थ्री साइन एक्स बराबर फाइव माइनस फोर कॉस एक्स स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा नाइन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखो ऊपर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 25 प्लस 16 cos square माइनस 40 cos x, cos में 40 निकालें कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25 cos square माइनस 40 cos x प्लस 25 माइनस 9 प्लस 16 इक्वल टू 0 क्लियर है बोलिए, अब इसे फैक्टराइज करिए होंगे साइन एक्स आ गया कॉस एक्स आ गया डिवाइड करो टेन एक्स आ गया दस पे ना, अभी भी आंसर नहीं आया क्या बोलो, ये तो टेंथ में आप लोग कर ले रहे नहीं बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो कि वही कर रहा हूँ ना, वही कर रहा हूँ आदत हो गई है, हाँ आदत होती जा रही है कि डाउट डाउट करते हुए एग्जाम में भी, हाँ तो ठीक है थोड़ी क्लैरिटी करिए अपने आप, कोशिश करिए और कोशिश करिए जो भी मामले लगाइए इधर उधर 20 डाउट है देखो cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू p, देखो इतने डाउट बता रहे हैं टाइम आप देख रहे हैं ठीक है, इतने ज्यादा डाउट बता रहे हैं उसके बाद भी क्लास के बाद भी कुछ बच्चे कहेंगे कि अरुण जी सर और डाउट पूछ लेते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू b, तो डाउट कम हो जाएंगे लेकिन उसके लिए नॉलेज जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए अच्छे से बार बार पढ़िए, उस पर जो क्वेश्चन कराए गए उनको करिए हो जाएंगे फिर अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो काम किसको करना पड़ेगा cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू b, cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा इक्वल टू a, देन फाइंड द एलिमिनेंट का क्या मतलब, इसका क्या मतलब ये वर्ड जो लिखा एलिमिनेंट इसका थीटा को एलिमिनेट करके a और b में रिलेशन लेके आए, थीटा को एलिमिनेट करके a और b में रिलेशन लेके आनी है बस यही सिंपल है, इसका मतलब माइनस थ्री कॉमन लो तो उसकी जगह माइनस थ्री अजय प्लस थ्री भी आ जाएगा, माइनस कॉमन है थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा थ्री प्लस थ्री अभी आएगा नहीं माइनस थ्री तो ना तो भरोसा करने लायक नहीं है वो, ए माइनस बी क्यूब फोर कॉमन ले लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब बी इनटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये होगा ना,
इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो कितना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos थीटा sin थीटा बराबर v स्क्वायर cos थीटा sin थीटा की वैल्यू यहां कितनी आ गई यार तो ओवर v 1 स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2 ये आंसर है ए एलिमिनेट हो गया थीटा एलिमिनेट हो गया क्यों बोलो तो a माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस